सब गाइस, मेरा नाम ईशान और स्वागत है आपका हमारे चैनल ईशान टेक वर्ल्ड पे। दोस्तों, वीडियो में आगे कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम बहुत करीब है 10K मेंबर्स की तरफ। तो दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए बस, क्योंकि आपके सपोर्ट से जो है ना इंशाल्लाह हम 10K मेंबर्स जल्द से जल्द जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को सिर्फ 2500 नियर बाय मतलब सब्सक्राइबर्स चाहिए हमारे चैनल के ऊपर 10K कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों बस सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स जो है ना कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा तीन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा Xiaomi के नए Redmi फ़ोन के बारे में, जो नया फ़ोन लॉन्च कर रहा है Xiaomi। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा Vivo के एक नए अपडेट के ऊपर, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा एक WhatsApp की सिंपल सी ट्रिक। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए, और ऑब्वियसली शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा Xiaomi के नए लॉन्च के बारे में। तो Xiaomi जो है ना वो Redmi के नाम से एक नया फ़ोन लॉन्च कर रहा है, जनवरी 10 को उसका लॉन्च है, और उसके बाद में ये आगे भी बढ़ सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो। लेकिन इसके कुछ की फीचर्स जो है ना इसके लीक हुए हैं, जिसमें से मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑब्वियसली इसमें जो है ना आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो इसमें आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि रहेगा वाटर ड्रॉप डिस्प्ले। अब दोस्तों इसके जो दूसरे फीचर्स के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो कैमरा तो मैंने आपको बताया, जैसे जो है ना इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है मोबाइल में आपके रेयर में, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको इसके बैक पैनल में जो है ना वो फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो बताया जा रहा है कि इसमें जो है ना वो 675 का स्नैपड्रैगन SoC प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके रैम के बारे में दोस्तों अभी तक कुछ खबर नहीं है। दोस्तों जहां तक बात करूंगा इसके नाम के बारे में, तो अभी तक इसका नाम जो है ना वो कंफर्मली पता नहीं हुआ कि इसका क्या नाम रहेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसा पता लग रहा है कि शायद इसको Redmi 2 Pro भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ में ऐसा भी पता लग रहा है कि इसको Redmi 7 भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों Xiaomi और Redmi जो है ना वो पहले एक जॉइंट वेंचर थी, अभी Xiaomi जो है ना वो Redmi से अलग हो रही है, तो इसी वजह से आप मोबाइल पर देख सकते हैं बैक साइड में कि उसमें जो है ना आपको Redmi की ब्रांडिंग मिलेगी, जबकि अगर आप Redmi के पुराने मोबाइल देखेंगे तो उसमें आपको खाली एक कीमो लोगो देखने के लिए मिल जाता था। कीमो लोगो मतलब जैसे MI का जो लोगो रहता है, सिर्फ आपको वो लोगो देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन इस फोन में जो है ना दोस्तों आपको बाकायदा पूरा Redmi देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूंगा इसकी बैटरी के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो है ना आपको 4000 mAh की बैटरी भी मिल सकती है। अब दोस्तों ये जो थे कुछ की फीचर्स थे इस फोन के बारे में जो लीक हुए हैं। ऑफिस दोस्तों इसका यूज, इसकी ड्यूरेबिलिटी तभी पता लगेगी जब एक हैंड्स ऑन हो पाएगा। तो फिलहाल तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे लगे आपको ये फीचर्स, और हमें कमेंट्स कॉलम में जरूर बताइए कि नए स्मार्टफोन लॉन्च के फीचर्स आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों दूसरी बात मैं आपसे बात करूंगा तो वो है Vivo के बारे में। अब दोस्तों Vivo के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऑफर्स चल रहे हैं ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर, और उन ऑफर्स को आप अवेल कर सकते हैं। ऑफर्स क्या है दोस्तों कि आप Vivo के जो है ना फोन को, ज्यादातर जो एक्सपेंसिव फोन्स हैं उनको आप 101 रुपीज में परचेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 101 रुपए में आप जो है ना Vivo के फोन्स को परचेस कर सकते हैं। अब उस पर आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों सबसे पहले जो है ना कोई ऑफलाइन स्टोर पे विजिट करना होगा, जैसे कि विजय सेल्स है, रिलायंस डिजिटल है, तो ऐसे जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं यहाँ पर आप विजिट कीजिए। ये आपको ऑफर्स जो है ना वो, ये जो ऑफर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स पे मिलेगा। और दोस्तों इस ऑफर में Vivo के सारे मोबाइल कवर्ड नहीं है, कुछ ही मोबाइल कवर्ड है, जैसे कि Vivo Nex है, Vivo V11 है, Vivo V11 Pro है, और भी दूसरे मोबाइल जो है ना इसमें कवर्ड है। अब दोस्तों ये ऑफर कैसा है कि आपको जो है ना 101 रुपीज तो इसका डाउन पेमेंट पे करना है, और उसके बाद में जो है ना आप मोबाइल को 6 मंथ्स के EMI पे मोबाइल को परचेस कर सकते हैं। और बाकी के दोस्तों क्या क्या मोबाइल जिसके अंदर कवर्ड है और क्या क्या इसके बाकी के डूज एंड डोंट्स रहेंगे, वो आप ऑफलाइन स्टोर्स पे विजिट करके और वहां पर जो है ना आप जाके पता कर सकते हैं। और दोस्तों जहां तक मैं बात करूंगा इसकी वैलिडिटी के बारे में, इस ऑफर की वैलिडिटी के बारे में, तो दोस्तों आपको जल्दी करनी होगी, क्योंकि ऑफर जो है ना वो सिर्फ 31 जनवरी तक ही वैलिड है। दोस्तों फाइनली मैं आपसे बात करूंगा WhatsApp की एक ट्रिक के बारे में। अब दोस्तों ये कोई हैकिंग वैकिंग मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बता रहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको हैकिंग बताने वाला हूं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, इससे पहले कि आप कमेंट्स में गालियां लिखें। मैं दोस्तों आपको एक छोटी सी WhatsApp की ट्रिक बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं, जब भी WhatsApp पे कोई किसी को ब्लॉक करता है तो ऑब्वियसली उसके प्रोफाइल पिक्चर, उसका लास्ट सीन, ये सब चीज़ नहीं देख सकता है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों अगर आपको किसी को ब्लॉक नहीं करना है और उसके बाद में भी आपको ये सब चीज़ें उसको नहीं दिखानी है, तो मेरे पास दोस्तों एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। और ट्रिक ही क्या है, मतलब एक WhatsApp का एक फीचर ही है ये, तो शायद आपको नहीं पता होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से क्या होता है दोस्तों कि जिसको आप ऐसा दिखाना चाहते हैं कि उसने, आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो ये ट्रिक जो है ना दोस्तों उसके लिए ज़्यादा काम आने वाली है।
दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस अकाउंट को आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल नहीं विजिबल हो, सबसे पहले तो उसकी कॉन्टैक्ट जो है ना आपको अपने मोबाइल से डिलीट करना होगा। और ये करने के बाद में दोस्तों आपको जाना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पर आपको एक फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है जो कि रहता है प्राइवेसी। दोस्तों प्राइवेसी में जाने के बाद वहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि अबाउट मी, प्रोफाइल। आपको जो है ना वहां पर हर एक ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सब ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट, नोबडी। तो आप सब ऑप्शंस पे जाके कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों जो भी आपके फोन में कॉन्टैक्ट्स रहेंगे सिर्फ उन्हीं को जो है ना आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका प्रोफाइल डिटेल्स, ये सब चीजें देखने की मिलेगी। जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में नहीं रहेगा, जो भी आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स में सेव्ड नहीं होगा, वो आपकी प्रोफाइल डिटेल्स नहीं देख सकता। तो दोस्तों ये जो थी एक छोटी सी ट्रिक थी खाली व्हाट्सएप की। तो दोस्तों इस वीडियो में तो मैंने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया Xiaomi का एक नया मोबाइल लॉन्च जिसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे ऑफर के बारे में बताया वीवो के बारे में, जो ऑफर अभी भी चल रहा है और आप उसको अवेल कर सकते हैं कोई भी ऑफलाइन स्टोर से। और तीसरी चीज़ जो है ना मैंने आपको एक ट्रिक बताई जो हो सकता है आपके आगे चल के काम आ सके व्हाट्सएप यूज़ करने में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स कॉलम में ज़रूर बताइए हमें, और दोस्तों ढेर सारा लाइक कर दीजिए। और जैसे कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग अपने 10K मेंबर्स की तरफ बहुत करीब है। तो हम लोगों को सिर्फ 2500 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए अपने 10K कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों जल्द से जल्द जो है ना हमारे चैनल पे आप 10K मेंबर्स को कंप्लीट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से रेड बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, मतलब आप बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।